1,00,000 सब्सक्राइबर जब चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, और साथ ही एक प्रकार से इसे सर्टिफिकेट माना जाता है कि पूरी तरीके से ऑथराइज्ड चैनल है, और 1,00,000 से ज्यादा जनता इसको सपोर्ट करती है और पूरी तरीके से वो जनता जुड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे आप लगातार जानते हैं और देखते रहते होंगे कि मेवात जो आज तक है उसकी अध्यक्षता अरशद सिंगर बीस यूट्यूब की तरफ से दिया गया है। मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बार इसे जूम करें कि मेवात आज तक पूरी तरीके से यहाँ पे प्रिंटेड है, प्रेजेंटेड टू मेवात आज तक फॉर पासिंग 1,00,000 सब्सक्राइबर्स, यानी कि 1,00,000 सब्सक्राइबर्स जिसके बारे में बता रहा था। ये सारे पत्रकार साथी से देंगे अरशद जी को, तो ये इन सारे लोगों ने भेंट की है, और साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार किए जाने वाले आश मोहम्मद इस मौके पर मौजूद रहे। ये सारी वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं जब मेहनत की जाती है उसके बाद में जो फल मिलता है, उसे पाने के बाद में जो आनंद मिलता है वो अलग ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरशद जी से ही, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो अरशद भाई, सबसे पहले तो आपको सारे पत्रकार बंधुओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि जो आपको YouTube की तरफ से सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थैंक यू। इसके पीछे मेवात की जनता और बाकी जो लोग आपसे इंस्पायर होना चाहते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस सफलता के पीछे की वजह क्या है और राज क्या है। तो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो मेवात की जनता है, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया है कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि यूट्यूब टीम ने हमें सिल्वर अवार्ड से नवाजा है। मैं उस जनता के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका, कि उन्होंने बड़ा प्यार दिया और यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने सपोर्ट किया। और इसके बाद जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, यहाँ तक सब लोग आए हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाकी तो हमारी मेहनत है, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। बाकी आपको मतलब कि कोई उम्मीद इस बीच में कोई ऐसा इंसिडेंट कि चैनल पे कोई दिक्कत रही हो, या फिर किसी तरीके से वैसे आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की दिक्कत हो, कभी कुछ ऐसा हुआ जिनका सामना आप इनकी करते रहे और आगे बढ़ते रहे? नहीं, देखो आर्थिक स्थिति तो आती रहती है, हर किसी के सामने आती है ऐसी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने हमेशा प्रयास किया था और मेहनत किया लगन से, और जहाँ भी जनता के जो मुद्दे थे उनको उठाया है, और लगातार बीच बीच में जहाँ भी देश भर के अंदर जो एक जुल्म हुआ है, कत्लेआम हुआ है, उस पर मैंने लगातार गज़ल और कव्वाली गाकर भी सरकार तक उस आवाज़ को पहुँचाया है, गरीबों की आवाज़ बनने की कोशिश की है। हर संभव इसी तरीके से कल्याणकारी प्रयास करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, और उसी का ये नतीजा है। अरशद भाई, एक सवाल आपसे ये हो रहा है कि हर एक पत्रकार लिखता है और हर एक पत्रकार का एक अपना अंदाज होता है कि वो बेस्ट से बेस्ट दे सके, लेकिन आपने कोई ऐसी खबर लगाई हो जिसका परिणाम आपको मिला हो, उसके बाद में सबसे ज्यादा वो खबर आपकी चर्चित रही? देखो जी, सबसे पहला जो मुझे श्रेय मिला है वो मेरी गजलों का है, क्योंकि लोग बागों ने मुझे बड़ा ही सर आंखों पर बिठाया है। मेरी जो गज़लें हैं मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं, और गज़लें वो कोई ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि हमेशा एक तरह से वो खबर की तरह गज़ल थी। उनकी तुलना खबरों से कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सामाजिक गज़ल थी सारी, और उनको लोगों ने बहुत चाहकर सुना है, देखा है, लोगों को शेयर किया है। उसके बाद जब मैं इस लाइन में आया था पत्रकारिता की दुनिया में, तो फिर कई ऐसी खबरें उठाई जिनसे लोग बाग जो जनता थी उनकी नज़रें हम पर टिक गई थी, और हर जगह हम पहुंचते हैं मेवात के अलावा, चाहे वो राजस्थान की मेवात हो, उत्तर प्रदेश का हो, दिल्ली हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, मैं हर जगह पहुंचता हूं। चलिए, हमारे साथ में यानी कि वरिष्ठ पत्रकार आश मोहम्मद जी भी हैं। आश मोहम्मद जी, क्या कहना चाहेंगे कि आज अरशद भाई को सम्मानित किया गया है और उनको सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है? आज हमें हमारे एक पत्रकार साथी को YouTube चैनल की ओर से, जो हमारे YouTube के एक पत्रकार हैं चैनल के, मेवात आज तक उनका चैनल है, और ये अरशद सिंगर बिसरू जो एक सिंगर के नाम से जो फेमस थे, पहले गज़ल गाते थे, आज उनका एक चैनल चलाते हैं अपना मेवात आज तक के नाम से। तो अरशद मिसरू के लिए सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो यूट्यूब ने उन्हें एक सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया है, ये उसके लिए बड़े हमारे फख्र की बात है, हमारे सारे पत्रकार साथियों के लिए भी। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो काफ़ी मेहनत की है, ये अपने दम पर इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने मेवात के मुद्दों को उठा के सामाजिक बुराइयों को सार, जैसे भी जैसे आपने देखा हो कि कोई चोटी कार्ड गजल हो या कोई
और जब भी समाज में कोई विपदा है इनको सारे इन्होंने उन गजलों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी हर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर जैसे अपने चैनल पर चलाकर लोगों को प्यार जीता है, तो हमें बड़ी खुशी की बात है। करसत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है और हमें फ़ख्र है, और हम तो सारे भाइयों से और अपने पत्रकार साथियों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसी तरह मेहनत करें और आगे आएँ और मेवात का नाम रोशन करें। अरसद भाई के इस जो उन्हें फल मिला है, जो उन्हें अवार्ड दिया गया है, उसको लेकर क्या क्या कहेंगे? आज अरसद भाई की ये मेहनत की बदौलत है जो इन्हें सिल्वर अवार्ड से नवाजा गया है यूट्यूब द्वारा। मैं सभी मेवात के अपने सभी साथियों से, यूट्यूब चैनल चलाने वाले पत्रकारों से एक आग्रह करूँगा, सबसे पहले मैं इसको बधाई देता हूँ अरसद भाई को साथ साथ में। सब आप मेहनत करिए, कोई चीज़ हर चीज़ आसान है अगर आप मेहनत सही तरीके से करेंगे, और आप भी आपको भी एक दिन इसी चीज़ से नवाजा जा सकता है।